मैंबर ऑफ पार्लीमेंट एक बार मंगू भरा होने और साढ़े सदीक भाई होने चेयरमैन साहब इंस्पैक्टर गुलजार साहब जो समय सर मुकर गए और ताड़िया मार के अपना स्वागत लगातार की ताड़ी के साथ आस्ट्रेलिया साढ़े साथ मैंबर पार्लीमेंट बहुत बड़ा धन्यवाद किया जा रहा है पर यह जान पहचान की जा रही है बिल्कुल ताड़ियां जीडिया रुकनिया नहीं चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी शख्सियत है साढ़े छोटे जे टूरनामेंट के पुजे हैं अपने कीमती समय के समय कल के आप दिल दी गहराइया तो धन्यवाद करते हैं साढ़ा चलिया हुआ एक एक कदम जरा सिर मथे है फिर तो बड़ा धन्यवाद करते हैं साढ़े बहुत सत्कार भाई विजयपुर की टीम ग्राउंड के लाइनअप हो विजयपुर टीम मेयर गुलाम अली जी खटाना साहब और इंस्पेक्टर गुलजार साहब यहाँ ट्राइबल जो यूथ फोरम है और यहाँ के जो प्रोमिनेंट लोग हैं इन्होंने ऑर्गेनाइज़ करा और बड़ा अच्छे ही बड़ी खुशी हुई। देश के वज़ीर आज़म का भी ये प्रायोरिटी है जम्मू कश्मीर के बच्चे जो हैं वो खेल कूद की तरफ बढ़े और पढ़ाई की तरफ बढ़े अपने खेत में जाएं और ये हमें खुशी होनी चाहिए कि आज जम्मू कश्मीर अमन की तरफ बढ़ रहा है और हमारे बच्चे ड्रग्स को पत्थरबाजी को हर चीज़ को छोड़ के अब अपनी हेल्थ का सेहत का और इस स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके वज़ीर आज़म का ये मानना है कि हम यूथ को सिर्फ आर्ट्स या लैंग्वेजेस में नहीं पढ़ाएंगे उनके साथ साथ उनको स्किल में भी और वो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हो इस तरह की अभी यूनिवर्सिटीज़ में भी हम प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। हमारा प्रायोरिटी है कि हमारा जो भी बच्चा पढ़े वो रोज़गार देने वाला बने और स्टार्टअप स्टैंडअप और इन चीज़ों के माध्यम से आगे बढ़े और जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट का है वो भी हमारा प्रायोरिटी है। जो सरकारें पहले रही हैं उन्होंने एक अढ़ा कल्चर था बच्चों को घरों में इस्तेमाल करके बर्तन साफ़ करवा के बाद में उनको पीएचई पीडीडी जहाँ अदर डिपार्टमेंट्स में लगाते थे। हमने एक एक करके पिछले 10 साल में थोड़ी चीज़ें ठीक करी हैं और हम नौजवान का हिस्सा नहीं करना चाहते एक्सप्लॉयटेशन हम नहीं करना चाहते। हमारा पॉलिसी है कि हमारा बच्चा जो है वो रोज़गार देने वाला बने और रोज़गार के पीछे ना भागे रोज़गार और लोगों को दे। एक भय फैलाया जा रहा है समाज में हमने 10% जो बढ़ाई है वो ओपन मेरिट के जो मार्जिनलाइज बच्चे हैं उनको 10% बढ़ाई है और 2% थी ओबीसी की कश्मीर में भी जम्मू में 2% थी जम्मू कश्मीर में उसको हमने 8% करा है क्योंकि पूरे देश में 27% है। तो उसके अलावा आरबीए एक कोटा था बड़ा कोटा 20% उसको ज़रा थोड़ा कम करा है। तो इस तरह की चीज़ें हैं एक भय फैलाया जा रहा है समाज में। देखिए जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो पीस की तरफ बढ़े हैं वो भारत की तरक्की में देश को वज़ीर आज़म ने 11वें नंबर से 5वें नंबर पे लाया है भारत को और जम्मू कश्मीर के लोगों में स्टार्टअप स्टैंडअप का उत्साह इतना है कि वो भी चाहते हैं कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बने और हम भी उसका हिस्सा बने और ये लोकल नेटिव उसके बिना कुछ नहीं है मतलब सियासी उसके लिए विधानसभा के सदस्य हैं वो तो पुरजोर विरोध कर रहे हैं लेकिन दिल्ली हाईकमान की तरफ से कोई भी इस पर एतराज नहीं जताया गया है अभी तक स्पेशल स्टेटस जो रेजोल्यूशन पास हुआ है तो आप किस तरह से देखिए ऐसा है कुछ चीज़ें ऐसा है कि मुर्दे उखाड़ने से कुछ नहीं बनेगा हमें आगे बढ़ना है।